एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है संडे और दिन बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एयर मैनिफेस्टेशन के बारे में। इस एयर मैनिफेस्टेशन यानी कि हवा की शक्ति से कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। अगर आप इसे ठीक तरीके से करते हैं तो ये आपको 100% बहुत बेटर और बेस्ट रिजल्ट्स देगी, बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती है। 2 से 3 बार इस टेक्निक को करते ही आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे करना है इस टेक्निक को, अगर आप ठीक तरीके से करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट्स 100%। आपको करना क्या है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। बट उससे पहले जान लीजिए मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको। मेरा आशा करती हूँ घर में आप सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एयर मैनिफेस्टेशन। इस एयर मैनिफेस्टेशन के लिए हमें अपनी ब्रीथ का काम करना होता है, यानी कि ब्रीथ के थ्रू हम इस मैनिफेस्टेशन को करते हैं। अब एयर मैनिफेस्टेशन को करने के लिए हमें अपनी ब्रीथ को रोकना होता है सिर्फ 5 से 6 सेकंड। क्या आप जानते हैं, आप अगर अपनी ब्रीथ को भरकर यानी कि आप सांस लेकर अगर आप रोकते हैं तब आपका पूरा की पूरा दिमाग और अपनी पूरी चीजें, आपके कॉन्शियस माइंड जो है आपका केंद्रित हो जाता है आपकी सांसों पर, और वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है झटपट आने लग जाता है। उसी समय अगर हम अपनी कोई भी इच्छा को मतलब देखते हैं, विजुलाइज करते हैं या मांगते हैं या रिपीट करते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल यस, ये बहुत ही सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये टेक्निक बहुत ही रियली काम करती है। इसको मैंने कई बार ट्राई किया है अपने साथ और मैंने जितनी बार ट्राई किया ना मुझे 100% रिजल्ट्स मिले। आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। देखो, एक बार में आप करेंगे तो रिजल्ट नहीं भी मिलेगा, बट आपको इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको अपनी कोई भी पर्टिकुलर विश को डिसाइड कर लेना है। लाइक आपकी जॉब है, आपको किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आना है, आपको रिलेशन अच्छा करना है, आपको घर खरीदना है, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़, सिर्फ आप डिसाइड कर लेंगे कि आपकी ये एक पर्टिकुलर विश है। आप एक पर्टिकुलर विश के लिए आप करेंगे, ठीक है, इस टेक्निक को। अब आपको सेकेंड स्टेप है, आप कोई भी जगह ले लीजिए जहाँ आप शांत तरीके से बैठ सकते हैं, शांत तरीके के एकदम बैठ जाइए बिल्कुल, या लेट ना जाए तो लेट के भी कर सकते हैं इस टेक्निक को, कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, कोई भी समय का कोई रूल नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है कि आपको क्या करना है, सांस को लेना है, यानी कि सांस इनहेल करना है। इनहेल करते समय आपको इतना ध्यान रखना है आपके फेफड़ों में और आपके पेट में प्रॉपर सांस भर जाए, लंग्स में और ना स्टमक में प्रॉपर आपके सांस भर जाए। जब आप इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद आप 5 to 6 seconds उसको होल्ड करेंगे। जब आप होल्ड करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका सारा जो दिमाग है ना आपकी सांस पर आ जाएगा। जब सांस पर आपका सारा दिमाग आ जाएगा ना, अब आपको उस टाइम अपने कॉन्शियस माइंड से ना अपनी विश को विजुलाइज करना है, कोई भी पर्टिकुलर विश को विजुलाइज करना है या फिर रिपीट करना है मन ही मन में सेंटेंस कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ। आपको वो प्रोसेस देखना है कि वो चीज़ विश को होते हुए, सपोज किसी का कॉल आ रहा है, कॉल चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, उसका कॉल बज रहा है, मैं फोन पे उठाकर या उठा के बात कर रही हूँ बहुत। इस तरीके से आपको विजुलाइज करना है। सपोज आपको जॉब चाहिए तो आप इंटेंशन क्या देखेंगे कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, बहुत खुश हूँ जॉब में, मतलब मैं कलीग्स के साथ बैठा हूँ, बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, उस टाइम पर आपको करना है। और ये जो है प्रैक्टिस है ये आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। उसके बाद जब आपने ऐसा की सोचा एंड देन रिलैक्स हो जाना है। अब ये आपने 3 times कर लिया, बस एक दिन में आपने 3 times करना है। ऐसा आपको 21 days तक लगातार करना है। इस प्रैक्टिस को अगर आप कॉन्शियस होकर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं, आप कोई भी टेक्निक मत कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक फॉलो मत कीजिए, बस इस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलेगा। इस टेक्निक को करने के लिए मात्र आपको पूरे दिन में सिर्फ 5 से 6 मिनट चाहिए, और ये 5 से 6 मिनट अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो
आपको रिजल्ट जरूर के जरूर मिलेंगे, 101% मिलेंगे, मुझे तो मिले हैं और मैंने काफी सारे लोगों के साथ प्रैक्टिस की है इस चीजों को, तो उनको भी रिजल्ट्स दिखे हैं। मेरी पर्सनली कंसल्ट जिनके साथ करती हूँ, पर्सनली कंसल्टेशन देती हूँ, वहां पर मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की इस चीज को, तो उनको रिजल्ट 100% मिले हैं। अगर आप लोग भी करते हैं तो हो सकता है आपकी कोई विश ऐसी है जो 21 दिन से पहले पूरी हो जाए तो वो हो जाएगी, बट अगर एग्जाम है सपोज आपका और उसका रिजल्ट 21 दिन के बाद आना है तो ऑब्वियस 21 दिन के अंदर रिजल्ट आकर आपको पास नहीं हो जाओगे, उसको आपको 21 दिन करके लेट गो कर देना। बस अपने माइंड को इतना ट्रेन करना है 21 दिन तक, वो विश को विजुलाइज कर लो कि यस ये चीज हो गई है मेरे साथ और मैं बहुत हैप्पी हूँ, ये चीज मुझे मिल चुकी है, मेरी लाइफ में ये चीज आ गई है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, ठीक है। ऐसा करके आप उसको लेट गो कर दीजिए, सिर्फ 21 दिन तक करिए, 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो 21 दिन के अंदर पूरी हो सकती है। बाकी ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।